प्रिय व्यूअर्स, आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आरंभ करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? विकल्प थे ए घनानंद, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी केदारनाथ मिश्र या फिर डी प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर था विकल्प बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आश्रित, अग्नि, पूजनीय और अभिशापित। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी पूजनीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द का सही युग्म नहीं है चमक, प्रभा, चंद्रमा, शशांक, जंगल, अटवी अथवा कमल, दुकूल। इसका उत्तर होगा विकल्प डी कमल, दुकूल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ममता का विलोम शब्द है निर्ममता, मानवीय, मोक्ष या फिर शत्रु। तो सही उत्तर होगा विकल्प ए निर्ममता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही युग्म नहीं है माखन, मृक्षण, माई, मात्र, रानी, रात्रि अथवा रुग्ण, रोगी। सही विकल्प होगा विकल्प सी रानी, रात्रि। आगे बढ़ेंगे। जहां खाना मुफ्त में मिलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है सुग्राह्य, सदाव्रत, सर्वप्रिय अथवा सर्वभक्षी। उत्तर होगा विकल्प बी सदाव्रत। अगला प्रश्न, डोंगी ढोंगी श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। छोटी नाव पाखंडी, पाखंडी छोटी नाव, शैली शिथिलता या फिर नौका सूर्य। उत्तर है विकल्प ए छोटी नाव पाखंडी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से महर्षि में कौन सी संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि अथवा वृद्धि संधि। इसका सही विकल्प है विकल्प बी गुण संधि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से द्रोण का अनेकार्थी शब्द नहीं है कौवा, बिच्छू, लकड़ी का रथ अथवा चंद्रमा। सही उत्तर होगा विकल्प डी चंद्रमा। अगला प्रश्न, नीलकंठ में कौन सा समास है द्वंद्व समास, बहुव्रीही समास, अव्यय भाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो सही उत्तर होगा विकल्प बी बहुव्रीही समास। अब अगला और अंतिम प्रश्न, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है गुणवाचक, परिमाणवाचक, प्रविशेषण अथवा सार्वनामिक। सही उत्तर है विकल्प सी प्रविशेषण।
चलिए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। चिकनाहट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? विकल्प है ए आवट, बी आहट, सी नहट अथवा डी चिक। तो प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद।